शॉर्टकट में होता है सर। ये क्या कहते हैं सिविल लाइन में जो लोग व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए सूट डिजाइन करा है ताकि उनके अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी डेथ ना हो, सब गटर साफ करते हुए पॉइजन गैसेस की वजह से जो आज डेथ हो रही है आज के टाइम में। और इस समय जो क्लीन इंडिया मिशन है वो बहुत जोर पे भी चल रहा है, तो उसके अनुसार हमने ये सूट बनाया है जो एक कॉस्ट इफेक्टिव सूट होगा हमारा। और अगर ये सही एक नया रिवॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि इस समय जो मार्केट में जो भी है वो सब बहुत ही काफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। किस कॉलेज से? फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या प्रोजेक्ट किया था सर? हम लोगों ने स्वाभिमान सूट बनाया है जो सिविल लाइन में लोग काम कर रहे हैं उनकी डेथ जो हो रही है इस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। NCS के जो नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट क्वार्टर में 50 प्लस डेथ हो चुकी है अब तक सफाई कर्मचारियों की, तो उसको देखते हम लोगों ने सूट डिज़ाइन करा है। और 2017-18 की आप रिपोर्ट देखें तो 221 लोगों की डेथ हुई है ऐसे, तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है जो डेथ हो रही है इसके वजह से। तो इसीलिए हमने सूट बनाया ताकि उनको सेफ्टी हो सके, उन किसी भी कोई भी अगर आप सफाई कर रहा है उसकी सफाई करते हुए एटलीस्ट डेथ ना वो सही बाहर आए अंदर से। और इस समय जब क्लीन इंडिया मिशन हमारा जब इस समय जोरों पे चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि क्लियर स्वच्छ भारत अभियान चलाने की मुहिम शुरू की है, तो उसको देखते हुए हमने सूट डिज़ाइन करा है। इसमें हम लोगों ने सर ऐसे सेंसर्स लगाए कि आप बिना अंदर जाए सीवर लाइन के आपको पता लग सकता है कि अंदर टॉक्सिक गैसेज हैं या नहीं है। बाहर से ही केवल आपको एक पाइप अंदर डालना है, बाहर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि टॉक्सिक गैसेज हैं या नहीं। अगर टॉक्सिक गैसेस किसी भी कारणवश हैं भी तब भी आपको हमने इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है और साथ ही साथ मास्क वगैरह की सप्लाई भी दी है, जिससे क्या कहते हैं आप अंदर जिससे आप जो भी व्यक्ति अंदर काम कर रहा है उसको मदद मिलेगी काम करने में, किसी भी तरीके की सफोकेशन या फिर दम नहीं घुटेगा उसका अंदर उसका एनवायरनमेंट में काम करने से, और वो अपना आराम से काम कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, जो डेथ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आप बाहर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, बाहर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा कि जो व्यक्ति अंदर गया बाहर बता नहीं पा रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका अंदर दम घुट रहा है। उसके लिए हम लोगों ने सूट के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी है जिसके थ्रू वो अपने बाहर से कॉन्टैक्ट रख सकता है, और प्लस बाहर जो भी उसको अगर उसको चाहे टूल चाहिए या फिर उसको किसी सफोकेशन हो रहा है तो वो बाहर बता सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप अंदर जाते हैं सिग्नल नहीं आते, तो उसके लिए हमने सेकेंडरी ऑप्शन भी रखा है इसके अंदर कि RF कनेक्टिविटी RF चैनल हमने इस सूट के अंदर लगाया है जिसको दबाने से बाहर एक मोनोक्रोमेटिक साउंड वेव आएगी और बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर इमरजेंसी है और उसको सही टाइम पे रेस्क्यू कर सकते हैं, उसकी किसी भी तरीके की जान नहीं जाएगी। प्लस ये कंप्लीट एक वाटर प्रूफ सिस्टम बनाया हमने, इसको किसी भी तरीके का हानि नहीं होगी। अब कॉस्ट बहुत ही हमने इसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में बनाया है ताकि हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को या जो कम लो पुअर लेवल लोग हैं बजटेड लोग हैं उन लोगों को भी दे सकते हैं। प्लस हम लोगों ने इसको AKTU की यूनिवर्सिटी की स्टार्टअप परिक्रमा भी प्रोड्यूस करा था, वहाँ पे शो करा था, वहाँ पे उन लोगों ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। हम लोग इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी हो सका तो हम लोग इसको आगे कंपनी के तौर पे प्रोडक्शन भी इसको शुरू कर सकते हैं साथ ही साथ, अगर हमें सही रिस्पॉन्स मिला तो। और मैं डॉक्टर KPS चौहान, फ्यूचर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। जी, बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है जी, इससे क्या लाभ मिलेगा? ये सर एक बहुत ही सामाजिक प्रोजेक्ट है, आजकल बिल्कुल रेलिवेंट है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं कि एक बहुत बड़ी मृत्यु रेट आंकड़ी देखी जाती है जब कभी सीवर लाइन वगैरह की सफाई होती है। तो इसमें इन बच्चों ने जो प्रयास किया है वो प्रयास ये है कि उनके जीवन को किस तरह से बचाया जाए और एक सुरक्षापूर्ण माहौल में किस तरह से वो लोग काम कर सकें, तो एक बहुत ही सामयिक है और स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित प्रोजेक्ट है।